दिल्ली में भी कोरोना की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद रहे, तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सिसोदिया ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी चैलेंज के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने जायजा लिया, बाकी अस्पतालों का भी जायजा ले रहे हैं। एलएनजेपी में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा पहले भी हुआ, हम 2000 के 2000 बेड्स भी कोविड के लिए तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ बैंकेट हॉल्स वगैरह हैं। उस वक्त हमने एमरजेंसी में वहाँ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके 500 बेड्स की व्यवस्था की थी बैंकेट हॉल में, मेकशिफ्ट में वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बेड्स की कमी नहीं रहेगी। पिछली बार की तुलना में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी एलएनजेपी के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो गई है। 2 पीएसए प्लांट्स यहाँ पे, 5 पीएसए प्लांट्स पूरे यहाँ पे लग चुके हैं। साथ एलएनजेपी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश जी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आज मॉक ड्रिल की गई और ये मॉक ड्रिल कितनी सक्सेस रही? बहुत सक्सेस रही, हमने टाइमिंग देखा, परफेक्ट टाइमिंग था, एवरीथिंग वाज ओके। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ किया गया, किस तरीके से पेशेंट को अंदर ले जाया गया और जो कोरोना की आपात स्थिति को लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई थी, तो उसमें कितनी तैयारी परिपक्व पाई गई? बिल्कुल अच्छा टाइमिंग था और सारा जो पेशेंट्स का जो रेस्पॉन्स टाइम, जो हमारी टीम का रेस्पॉन्स टाइम था वो हमने देखा, वो बिल्कुल ठीक था और पेशेंट को असुविधा ना हो, ये सारा हमने ट्रायज के रेड कैटेगरी, ग्रीन और येलो, ये सब हमने यहाँ पे किया हुआ है और पूरी तरह हमारी टीम तैयार है। सुरेश जी, अगर बात की जाए तो एलएनजेपी में किस तरीके की तैयारी की गई है कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर के? अभी 450 बेड रखे हैं, आप देख सकते हैं 178 आईसीयू बेड्स हैं जिसमें कि अभी पेशेंट्स नहीं है और सारी तैयारी हमारी है। अगर बात की जाए तो लगभग कितना तैयार है एलएनजेपी नए वेरिएंट को लेकर के, और नए वेरिएंट को लेकर के दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे कि किस तरीके की सावधानी बरतें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं? तो आपने देखा हमारे साथ एलएनजेपी के सीएमएस मौजूद थे जिन्होंने साफ तरीके से कहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें और दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोविड के नए वेरियंट को लेकर के वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए इसी खबर पर। बलराम, आज की मॉक ड्रिल में कितनी तैयार नजर आई दिल्ली सरकार? बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो मॉक ड्रिल की गई है वो सफल रही है और जिस उम्मीद को लेकर के हमने ये मॉक ड्रिल की है वो उम्मीद पूरी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के तैयारी कर चुकी है। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं इस नए वेरियंट से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा एलएनजेपी में आज ये मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान मैं खुद मौजूद था कि किस तरीके से डॉक्टरों की टीम ने मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई, तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 3 श्रेणी बनाई गई थी, रेड जोन, येलो जोन और उसके बाद नॉर्मल जोन। तो यानी तीनों जोन पे काम किया गया और किस तरीके से मेडिसिन उपलब्ध कराई गई, किस तरीके से उपचार शुरू किया गया, किस तरीके से डॉक्टरों की टीम ने काम करना शुरू किया है, इन सभी विषयों को विस्तार से देखा गया और इस पर चर्चा भी हुई कि किस तरीके से दिल्ली तैयार है। लेकिन मॉक ड्रिल में जो कुछ निकल के आया उसमें स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली पूरी तरह से
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के तैयार है और उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त फंड भी दिया है। 104 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया है दिल्ली सरकार ने, ताकि जो दवाइयां हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो। अगर हम LNJP की बात करें, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद थे, तो वहां पर कोरोना वार्ड में 450 बेड तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई मरीज वहां पर भर्ती नहीं है और उन्होंने कहा कि करीब 160 हमारे पास ICU बेड हैं, जहां पर अगर आपात स्थिति होती है तो हम मरीजों का उपचार करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो मॉक ड्रिल की गई है वो सफल पाई गई और जो तैयारियां हैं वो भी सफल पाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ऑक्सीजन के प्लांट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार कैसे मुहैया कराएगी, तो उसको लेकर के भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट कह दिया है कि जो हमारे प्लांट लगाए गए थे वो इस समय सुचारू रूप से चल रहे हैं और साथ ही जो ऑक्सीजन को लेकर के ढुलाई के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की पहले कमी थी, लेकिन अब हमारे पास 15 वाहन ऐसे हैं जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, ऐसी बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही जा रही है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली सरकार तैयार है, आपने कंटेनर्स का जिक्र किया, 12 सरकारी हैं और 3 निजी, यानी कि ऑक्सीजन के स्टोरेज की क्षमता भी है, 104 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी रखे गए हैं, अस्पताल भी बेहतर है, ये दावा है दिल्ली सरकार का।